लगेज भूल रही हो तो उसको, तुम अभी लगेज नहीं, तुम सवारी है। जीजा जी लेने आ गए, हम लोग इंतजार किए। दीदी खड़ी है, ये है हमारी ब्राइड, जो मेरा दुल्हन मतलब इनका ही ओकेजन हम लोग अटेंड करने आए हैं, जिसको खुद सर्दी पकड़ी हुई है। सर्दी पकड़ लिया, उसका जुकाम हो गया, इंस्टेंट जुकाम बोलते हैं, इंस्टेंट हम लोग करते हैं रेसिपी, इंस्टेंट जुकाम, ये मतलब शादी का इन्फेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दी लाइफ प्लाटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं टुआ तो बहुत बढ़िया हूँ, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरे लिए तो सॉफ्ट होने वाला बात है ना, आप सबके लिए ज़्यादा। 6 बजे उठ के क्या कर रही है, फुल तैयारी में एकदम, टुआ भी तैयारी के साथ। टुआ ठीक से, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कटा बच्चे छोटा बजे नहीं, 6 भी नहीं बजे, 6 भी नहीं बजे ठीक से, 6:03 घड़ी देखिए। पूजा मैंने दे दिया है, सबका आशीर्वाद लेके दिन को शुरुआत कर रही हूँ। आज भगवान का आशीर्वाद लेके मैं और टुआ आज से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ की हम लोग को पहुँचना है। अभी हम लोग का 6:55 में अहमदाबाद ट्रेन है, उसमें हम लोग जा रहे हैं KGP इन्विटेशन अटेंड करने, शादी इन्विटेशन। तो चलिए स्टेशन जाके आप सबसे मिलते हैं। और टुआ को एक कप मैंने हॉर्लिक्स बना के दिया, क्योंकि सुबह और कुछ नहीं हम लोग खा पाएंगे, मैं भी एक कप हॉर्लिक्स ही पी लिया हूँ, टुआ को भी दे दिया हूँ। कप का रखा हुआ है, बोल रही है ठंडा हो गया है, ठंडा नहीं हुआ, खेत में ना ठंडा नहीं, उसको गर्म लगा है। बस स्वेटर वेटर पहन लिया है, टुआ भी जैकेट पहन लिया, बहुत आज तो बहुत मतलब पूरा डिग्री नीचे आने वाला है, 8 डिग्री नीचे अभी है टेम्परेचर। और पानी का काम करके सोचिए 6 बजे तक मैं रेडी भी हो गई हूँ, है ना। और यहाँ से इसलिए बात कर रही हूँ कि चार्जर पॉइंट यहाँ से लगा हुआ है, फोन को चार्ज फुल करके ले जा रही हूँ। पता नहीं ट्रेन में एक ही प्लग पॉइंट रहते हैं, पूरा पैसेंजर वहाँ पर 8-10 पैसेंजर वही ये में हम लोग के कंपार्टमेंट में रहेंगे, तो सब वहीं पर ही करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग अपना वेबसाइट करके लेके जा रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा, वहाँ घर में जाके चार्ज पॉइंट में बिठा देंगे फिर। तो इसलिए यहीं से ब्लॉग ना ठीक है, यहीं से मतलब शुरुआत में कर रही हूँ, और इधर उधर हेल डुल मैं नहीं कर सकती, यहाँ चार्ज लगा हुआ है। मन में एक्साइटमेंट भी है और एक डर भी लग रहा है, डर बोलने से मतलब अनजाना सा डर, पता नहीं किस चीज़ का डर, लेकिन डर एक तो लग रहा है, एक तो कैसे जैसे लग रहा है, मतलब जितना जाने का टाइम पास आ रहा है ना, उतना थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। पता नहीं ट्रेन में है जा, ट्रेन में तो बहुत बार जा चुकी हूँ, और ऐसे में एकदम दाल भात जैसे हो गया है, बंद कर दो काला मेरे चुना पिछुना ठीक है, बंद कर दो। तो बस यही है, पता नहीं कैसे धड़फड़ाहट हो रहा है मन का अंदर। ठीक है सर, ऑटो में बैठने के बाद ठीक हो जाएगा, जब रेडी नहीं होते जाना है ऐसा होता, और जब सच में वो दिन आ जाते ना, अरे जाएंगे, अरे सब ठीक रहेगा, तो ये सारा आ जाता है, इसीलिए बन जाना सा डर यही है। सुबह उठना मुश्किल था एकदम, मैं तो सोई नहीं रात भर, मैं बिल्कुल सोई नहीं, हर एक घंटे में मैं उठ के मोबाइल, पूरा 5 पूरा मैं नहीं सोई, तुम तो खराटे में ले रही थी। टुआ कल बहुत अच्छा सोई, और मैं कल टेंशन के मारे सोई नहीं, और नहीं सो रही तो बस कहानी निकाल के मैं पढ़ रही थी, और ऐसे करते करते मेरा 3:30 बज गया था, 3:30 ना अलार्म की वजह से नहीं सोने, एकदम डीप स्लीप के बाद ना नींद टूटा है, तो फिर याद आता है जाना है, मतलब जग जग के सोई थी पूरा। मुझे ना ऐसे ही है, टेंशन नहीं रहेगा, सुबह उठना नहीं रहेगा, मैं आराम से 8-9 बजे उठती हूँ, कोई टेंशन नहीं माइंड में, और कहीं सुबह मेरा प्रोग्राम रहता है तो मुझे रात भर नींद नहीं होता है, तो यही मेरे साथ हो रहा है पिछले मतलब 5-6 सालों से। तो चलिए बात को आगे ना बढ़ाते हुए मिलते हैं फिर स्टेशन में, ओके, या फिर ट्रेन के। लालपुर स्टेशन पहुंच गए हम लोग, डिस्प्ले में ट्रेन का अपडेट दिखा रहा है,
और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम लोग हम मैं और तुआ हरी हुई जल बैग बैग खड़ी हुई हूँ यहाँ पर और चार और पांच नंबर में देने का संभावना है। तो अभी ब्रिज चढ़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, वो प्लेटफॉर्म में हम लोग को जाना है। हम लोग वहाँ से उठ और ऑटो ना बहुत आगे से रोक मतलब वो लोग अलाउ नहीं करते जीआरपी पुलिस लोग पूरे स्टेशन के सामने लाने के लिए, थोड़ा दूर में खड़ा कर दिया। लैगेज लेके आने के बाद हम लोग थक गए, यहाँ थोड़ा रेस्ट कर ले रहे इसलिए देर से। ये देखो ये दो लैगेज लैगेजों की रेल लग गई ना। ये इसमें है खाने का डब्बा और पानी बोतल और बिछाने के लिए दो चादर लाई हूँ। टुआ का तो हैंड पैक कंधा में लटकने वाला बैग, ये मेरा है इसमें इतना दोनों के लिए, इंसान दो लैगेज पांच। वो अभी सवारी है लैगेज नहीं है। टुआ बोल रहे और एक लैगेज भूल रही हो तो उसको, तुम अभी लैगेज नहीं है तुम सवारी है। छोटी थी तो लैगेज थी, वो नहीं करना पड़ता था, उसको ढोना पड़ता था। आप कहे का लैगेज हो सोचिए तो। और फिर और चलिए और एक बात, मुझे ऑटो में आज इतना डर लगा ना, उस जबकि उसका टाइमिंग था 6 बजे। वो मुझे कल बार बार बोला बापीदा कि एकदम रेडी रहिएगा, मेरे स्कूल ट्रिप भी लेना है। ठीक है हम लोग तो रेडी हो जाएंगे। वही देरी से आया है और इतना स्पीड से ऑटो भगा रहा था ना, मेरा तो पूरा हार्ट बीट निकल के कलेजा निकल के एकदम ऑटो के अंदर हाथते भी नहीं निकल के पूरा ऑटो में। खाली भगवान को मन ही मन भगवान को मैं बुलाते बुलाते खाली भगवान ठीक ठाक पहुँचा देती यार। पूरा सब ऑटो को सबको भट्टे कर रहा है, सबको भट्टे कर रहा है, जबकि अभी रास्ता पूरा खाली है। मैंने एक तो मैं टेंशन से मारी जा रही हूँ, पता नहीं किस वजह का टेंशन मुझे अभी तक पता नहीं चला। ऊपर से ऑटो मेरे को और टेंशन दे दिया। अभी जाकर मैं रिलैक्स हूँ और 100% रिलैक्स रहूँगी अपने बर्थ पे बैठने का बात। चलिए ठीक है अभी रखते हैं सीढ़ी चढ़ के 4 या 5 नंबर में हम लोग खड़े रहते हैं देखते हैं। पहुँच गए हम लोग खड़गपुर स्टेशन। अभी कितना 1 बज रहा है ना, 1:20 ट्रेन बहुत लेट, 11:30 पहुँचने की जगह हम लोग 1:20 देर पकड़ लीजिए। अभी घर पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएगा। जीजा जी आ रहे हैं रास्ता में है वो, तो हम लोग स्टेशन से निकल जाएंगे बाहर, उसके बाद फिर मिलते हैं। जीजा जी लेने आ गए, हम लोग इंतजार किए 15 मिनट। जीजा जी भी मतलब मेरा चेहरा भूल गए, मैं भी जीजा जी का चेहरा पहचानते बोली वही मौसा जी होंगे। चलिए आप लेने आए, चल जाते घर, वहाँ जाकर मिलते हैं। हम लोग अभी फोटो में बैठ गए हैं और यहाँ से 15 मिनट जो लगता है। हम लोग उनको चारा दिए टोटो में, गाड़ी सोता दिए, चला रहे ड्राइवर ले जाएंगे और जीजा जी गाड़ी में बाइक में पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। हमें फॉलो नहीं कर रहे, फॉलो कर रहे हम लोग तो नहीं हुआ, फॉलो कर रहे थे आप लोग भी हमें फॉलो करते रहिए। हम लोग घर पहुंच गए और स्वागत के लिए दीदी खड़ी है, उली उली दे रहे हैं। हम लोग फर्स्ट गेस्ट इनके बेटी का शादी में, मैं और टुआ फर्स्ट। ननन जी उनके आए हुए हैं, वो तो घर के लोग हुए। चलिए अब जाते हैं अंदर, एकदम खाने के टेबल पे मिलते हैं। बस आते साथ ही मीठा देके दीदी
मीठा पानी दे के थोड़ा बोला रेस्ट करो, उसके बाद नहाने जाओ आराम से, सब फिर होगा। देखिए मीठा देके एकदम बंगाल स्पेशल मीठा खड़गपुर का नलेन गुड़े रसगोल्ला खेने तो खेने हमारी दुल्हन की मम्मिया। नमस्ते पापा से मिल लिए, मेरे जीजा से, मेरे दीदी। अच्छा लंच रेडी हो गया है, दे दिया है मेरे, हम दोनों के लिए दीदी बैठी हुई थी। ঝোল ফুলকপি আলু দিয়ে, হ্যাঁ রুই মাছের ঝোল সেম হ্যাঁ শায়দ নেই থালে তো ডাল দিতি দেখিয়ে পাহাড় কিতনা কি অনেক তরকারি দিয়েছে। ঠিক আছে আমিও ছটা অব্দি বসে বসে খাবো, চা নিয়ে একবার এখানে দেবে, তারপর এখান থেকে হাত ধাবো চা নিয়ে বসবো। আচ্ছা দেখছি চলি আমরা খা লেতে হ্যাঁ। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, থোড়া সা সো গই থি লেকিন নিন নেই হুয়া, শাদি কা ঘর হ্যায় ইতনা বাতচিত নিন কাহাঁ সে হোগা। ইভিনিং স্ন্যাক্স ব্রেড টোস্ট, एक मिठाई सॉस और घुगनी जो ट्रेन में लेके आया था ना वो बच गया था तो मम्मी ने मुझे दे दिया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है मेरा। मैं थोड़ा खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी, दोपहर को मैं खाना नहीं खाई थी, मतलब एक दो कौर खाई मैंने छोड़ दिया, मतलब मम्मी को दे दिया, नहीं खा पाई। ट्रेन जर्नी करके आई थी, रात को 4:30 बजे उठी हूँ इसलिए शायद, खा के फिर मिलती हूँ आपसे। ये हो गया तड़का, एक तड़का नेमली तड़का, प्लेन तड़का, प्लेन तड़का और रोटी कैटरिंग से जीजू ने मंगा लिया। बस रसोई बंद ना, आज से आज रात से रसोई बंद दोस्तों, अभी यही सब। रात सुबह हम लोग मछली देके लंच किए थे जो दीदी ने बनाई थी घर में, और अभी से कैटरिंग का खाना आना चालू हो गया। अभी हम लोग घर में बस 7-8 जन है तो इतना नहीं हम लोग का हो गया, बच भी जाएगा ना दीदी, बेचो जाए ना हमें, बहुत बहुत मंगवा लिया जीजू ने, जबकि इतना हम लोग का नहीं लगेगा। और এটা কার থালি জিসকা ভি হো, আচ্ছা তো এই দেখো দিদি নে নিকাল ভি দিয়া মেরা ডিনার। টুয়া কো পুছতে হে, এই টুয়া কোথায় গেলি, ভাত খাবি না? আমি খালি একটু খালি বাটি করে একটু খালি তারকা দাও, আমি কিছু খাবো না, ভাল লাগছে। দেখাবি না? আচ্ছা চলিয়ে দোস্ত, রাত রাত কে 9:30 বাজ গয়ে হে, আর হাম লোগ গেস্ট আয়ে হে, জিনকে ঘর মে আয়ে হে, वो सब खा के बैठे हैं, हम लोग को खाना अभी तक दिए नहीं है। दिए नहीं है या आप खाए नहीं? ये है हमारी ब्राइड, जो मेरा दुल्हन है, मतलब इनका ही ओकेजन हम लोग अटेंड करने आए हैं, जिसको खुद सर्दी पकड़ी हुई है, सर्दी पकड़ लिया, उसका जुकाम हो गया, इंस्टेंट जुकाम बोलते हैं, इंस्टेंट हम लोग करते हैं रेसिपी, इंस्टेंट जुकाम, ये मतलब शादी का इन्फेक्शन हो रहा है और कुछ नहीं। और मम्मी आज से कंघी करके तैयार हो रही है परसों के लिए दीदी मेरी, और हम लोग अभी डिनर कर लेंगे, बस 8 बजे हो रहा है, ब्रैड बेटी के साथ यहाँ हम लोग का सारा जमावट हुए है, 8 बजे हो रहा है, बहुत देर से सालों बाद, सालों बाद मतलब इसको तो छोटे में हम देखे, छोटी जब थी ना, बोलो एकदम छोटो, पिंकी थी 7 9 क्लास से पढ़ती तखन ও সে দেখা হয়নি, ও স্কুলে ছিল না তখন, ও সাথে আমাদের ছিল তো। আচ্ছা আচ্ছা তুই গেছিলি হ্যাঁ দাদুর বাড়িতে, মুঝে ইয়াদ ভি নেই তব উসকা চেহারা সে মে আবি রিলেট ভি নেই কর পা রহি হু কি ও উসি কো মেনে দেখা থা, মতলব টোটাল মাইন্ড সে পুরা অফ হো গিয়া উসকা চেহারা মেরা, তো ফির ইতনে সালো বাদ हम लोग आए साथ, बस देखते रहिए आप सब, और इसके आगे जो ब्लॉग होगा एकदम धुआंधार ब्लॉग जाएगा, एक भी मिस मत कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। आज दुल्हन गुड नाइट बोल रही है आप सबको, चश्मा लगा के चेहरा खराब करके दिखा रही है, क्योंकि ओरिजिनल लुक तो तभी दिखेगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पूरा ही बाकी है, यार ट्रेलर भी नहीं दिखाया आपको, कल से ट्रेलर दिखाएंगे, कल से ट्रेलर कल शाम से कमिटमेंट कर चुकी है, कल शाम से ट्रेलर दिखाएगी। तो बोलना है तुमको, आमी जबू तबू है बसे आछी ठंडा ते, मुझे इतना ठंडा लग रहा है, मैं कंबल चादर ओढ़ के मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ ठंडा भी है अभी। चार दिन जो साइक्लोन के वजह से ना पूरे इंडिया में अभी ठंडा पूरा फैल चुका है, नहीं था लास्ट अगले हफ्ता तक ठंडा नहीं आया था, लेकिन एक हफ्ता पूरा ठंडा में हम लोग परेशान।
ठीक है चलिए अभी एकदम फाइनली गुड नाइट। मैं एक बार करके ना वॉच दे रही हूँ और बक बक किए जा रही हूँ। चलिए सबको गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं कल एक धमाकेदार ब्लॉग के साथ। कल से पता चलेगा कि शादी में क्या क्या एंजॉयमेंट और होने वाला है। आज तो आया है, थोड़ा सा लेथर्जी भी था, टायर्डनेस भी था, उतना ज्यादा माहौल हॉट नहीं हो पाया, वो कल से स्टार्ट होगा। नहीं, माहौल पूरा भी ठंडा है, कुछ भी अभी एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है, मन में लग ही नहीं रहा है कि हम लोग शादी कर सब अभी लग रहा है कि रिलेटिव के घर मिलने आए हैं। हम लोग ओनली रिलेटिव खाली आए हैं, सबसे पहले हम ही लोग पधारे हैं, कोई नहीं पधारा, कल पधारेंगे तो शुरू होगा। होता है ना ओकेजन में सब रिलेटिव एक जगह हो तो खुशी का हंसी का माहौल शुरू होता है। हम लोग का भी कल से शुरू है, आज रेस्ट, कल से हम लोग का सब चालू। चलिए अभी फाइनल बाय बाय, मैं 3 बार बोल चुकी हूँ, इसका बाल आप लोग लेंगे नहीं। चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ऑल टाइम स्माइल, हंसते रहिए, स्वस्थ रहेंगे।